अजमेर की क्रिश्चनगंज थाना पुलिस ने 13 वर्षीय नाबालिग के गाल पर बटका भरने के आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रवीश कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के रहने वाले एक परिवारदी ने थाने पर उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज कराया कि करौली सपोटरा निवासी रिंकू जायसवाल नाम के व्यक्ति से उसकी दोस्ती हुई और घर पर आना जाना भी इस दौरान रिंकू ने शुरू कर दिया। इसी बीच 18 मार्च को रिंकू उसके घर पर आया। इस दौरान उसकी पत्नी पड़ोस में ही गई थी और वह सो गया था। इसी बीच रिंकू ने बच्चे को अकेला देखकर उसके गाल पर काट लिया, जिसके चलते वह रोते हुए अपनी मां के पास गई और परिवार ने इसकी शिकायत क्रिश्चनगंज थाने में दर्ज कराई है। इस मामले में पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस उपाधीक्षक उत्तर के निर्देशन में टीम बनाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे इस संबंध में पूछताछ की जानी है। आरोपी की नियत क्या थी और उसके पीछे क्या वजह रही, इसे लेकर भी आरोपी से जानकारी जुटाई जाएगी। फिलहाल आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। देखिए, थाना इलाके पर पीड़िता के पिता हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। तहरीरी रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि मैं थाना इलाके में ही कहीं सुपरवाइजर का काम करता हूँ और मेरे दोस्ती किसी व्यक्ति से हुई थी, जिसने मुझे अपने गांव का ही बताया था कि मैं आप ही के गांव का रहने वाला हूं। उस समय चूँकि हल्की फुल्की मेरी उससे दोस्ती हुई थी, इस वजह से वो मेरे घर आ गया था और घर आकर के बैठा था, तो उस समय मेरी पत्नी कहीं आस पड़ोस में ही बाहर गई हुई थी। घर पर मेरी बेटी भी थी, उस दौरान मेरी बेटी इसके गाल पर उसने काट खा लिया। इस तरह की उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। चूँकि बच्ची नाबालिग थी, अतः हमने संबंधित सेक्शंस में पॉक्सो के सेक्शन में प्रकरण दर्ज किया था। उसके पश्चात श्रीमान सीओ साहब द्वारा उत्तर द्वारा इसका अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान प्रकरण के जो आरोपी थे उसको हमने गिरफ्तार किया, जिसका नाम रिंकू जायसवाल, पुत्र रमेश चंद जायसवाल, जाति कलाल, निवासी मांगरोल बायोमी तहसील सपोटरा, करौली का ये रहने वाला है। उसको गिरफ्तार किया और उसका अनुसंधान जारी है। जी बिल्कुल, आज सीओ साहब द्वारा न्यायालय में पेश किया जाएगा।